आरजीएस कार्ड से अब दवाएं मिलना बंद होती हुई नजर आ रही हैं। आप सभी को बता दें कि बकाया बिल का भुगतान ना होने के चलते हुए कुछ एक दवाइयों को छोड़ करके बाकी सब दवाओं को बंद कर दिया गया है। यानी कि आरजीएस कार्ड में आप जो जो दवाइयां लेते थे उन सब पर रोक लगाई गई। आखिरकार क्यों ये बिल का भुगतान नहीं हुआ और कौन कौन सी दवाइयों के ऊपर ये रोक है, हम आप सभी को दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट में। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के जरिए मेडिकल स्टोर से मिल रही दवाइयां अब बंद हो रही हैं। आरजीएचएस अधिकृत मेडिकल स्टोर संचालकों ने लंबे समय से भुगतान नहीं होने के कारण आरजीएचएस के जरिए दवाइयों की बिक्री को बंद कर दिया। हालांकि विक्रेताओं ने जरूरी दवाइयों की सप्लाई जारी रखी है, लेकिन वह भी एक सप्ताह से ज़्यादा की उपलब्ध नहीं करवा रहे। अखिल राजस्थान आरजीएचएस अधिकृत दवा विक्रेता महासंघ की ओर से हाल ही में प्रदेश भर के 3,500 से ज़्यादा मेडिकल स्टोर संचालकों की एक बैठक बुलाई। इसमें दवाइयों की सप्लाई बंद करने का निर्णय किया गया। महासंघ की ओर से जयपुर में कोऑर्डिनेटर कर रहे सचिन गोयल ने बताया कि आरजीएचएस में सरकार अब न तो समय पर भुगतान कर रही है और न ही पोर्टल की कई खामियों को दूर कर रही है। उन्होंने बताया कि एग्रीमेंट में उल्लेख किया गया था कि 21 दिन के अंदर बिलों का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार और एजेंसी पेमेंट रेगुलर नहीं कर रही। 1.5 से 2 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन फिर भी भुगतान नहीं हो रहा। इसके अलावा पोर्टल के अंदर कई खामियां भी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रोडक्ट लिस्ट में केवल वही प्रोडक्ट रखे जाएं जो बाजार में दिया जाना है। कई प्रोडक्ट सरकार की नेगेटिव लिस्ट में हैं, लेकिन उसे भी पोर्टल पर शो कर रखा है। इसको लेकर के दूरदराज के इलाकों में बैठे दवा विक्रेता परेशान होते हैं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।